प्यारे बच्चों और उनके पेरेंट्स, मैं आज आपसे एक बहुत गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, जिसके अंदर आपका बच्चा या आप ये चाहते हैं कि बच्चे को समझ में आना चाहिए, और बच्चे को जब तक समझ में नहीं आता है तब तक उसे आगे बढ़ना नहीं चाहिए। देखिए, ये थ्योरी आप एक बात ध्यान में रखिए कि पहली क्लास से 12वीं क्लास तक जो बच्चा पढ़ता है वहाँ उसे समझने के लिए उसका दिमाग इतना विकसित ही नहीं होता। उसको जो भी टीचर बताए, जो भी उसकी नोटबुक में या बुक में लिख रहा है, नोटबुक में जो टीचर लिखा रहे हैं, जो बुक में लिख रहा है, उसे बेहतरीन तरीके से लर्न करना चाहिए। लर्न करने का मतलब है रटना चाहिए। जितना रटेंगे आप, जितना बार बार उसको रटते रहेंगे जो लिखाया गया है, उसी से ही आपको उसके बारे में धीरे धीरे पता चलने लगेगा। आप जानिए कि शुरुआती पुराने ज़माने में लोगों को हमने भजन करते देखा होगा, वो माला लेके भजन करते रहते थे। हम समझते थे ये पागल क्या कर रहे हैं, बूढ़े थे भजन करते रहते थे। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसका मतलब वो बार बार उसी चीज़ को जो रट रहे हैं उन्हीं से उसके बारे में पता चल रहा है जिसके बारे में वो रट रहे हैं। इसे कहते हैं नाम रटना। इस विज्ञान को हम बिल्कुल भूल चुके हैं। आज हमें जो ये कहता है कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, आप उसे सबसे बड़ा मूर्ख समझिए। उसका कारण है क्योंकि हर बच्चे का दिमाग इतना विकसित नहीं है, हर व्यक्ति, इसलिए उसे विकसित होने के लिए रटना ज़रूरी है। हमारे दिमाग की जो कोशिकाएँ हैं, हमारे दिमाग की जो सेल हैं, हमारा दिमाग जिस हिसाब से बना हुआ है, उसमें जितनी मेमोराइज हम करेंगे, जितना उसको मेमोराइज करेंगे उतना ही वो डेवलप होता जाएगा। आप इस बात को समझिए। मैं आपसे इतनी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक कटु सत्य है। ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें समझना नहीं है। आप देखिए, आपका बच्चा उस समझने के पीछे कितना समय बर्बाद करता है। 50 तरीके की चीज़ें देखेगा, 50 तरीके के बारे में बात करेगा, आप उसे ट्यूशन भेजेंगे, आप उसे और दूसरी जगह भेजेंगे, फिर भी आपके दिमाग में ये रहेगा कि बच्चे को समझ में ही नहीं है। ये सब एक कोई कल्पनाएँ हैं। आप यकीन मान के चलिए कि अगर आपका बच्चा, चाहे उसे समझ, जैसे ABCD है, कभी भी उसको, एक छोटे से बच्चे को ABCD समझाई कहाँ जा सकती है? बिल्कुल नहीं समझाई जा सकती। उसको कहा जा सकता है, जोर से कहा जा सकता है कि आप ABCD बोलिए, वो बेचारा A बोलता है, फिर C बोलता है, Z बोल जाता है, फिर ABCD बोलता है, और एक बार जब वो बिल्कुल क्लियर बोल देता है, हम खुश हो जाते हैं, वो भी खुश हो जाता है। टेबल हम रटाते हैं, टेबलों का नहीं पता है, 1 और 1 2 होते हैं, जिसने कह दिया उसने होते हैं, हम उस बात को कैसे मान लेते हैं भाई? आप इस बात को समझिए। ये एक मोटिवेशनल स्पीच है। इसके अंदर आपको ये जानना ज़रूरी है कि टीचर आपसे ये कह रहा है कि आप अपने बच्चे से ये कहिए उसे समझ में आया नहीं आया, जो टीचर ने कराया है उसको वो पूरी तरीके से रट ले। पेपर में वो आएगा, उसके मार्क्स आएंगे। बोर्ड में वो आएगा, उसके मार्क्स आएंगे। आप जो 99-100% मार्क्स की बात करते हैं ना, वो बच्चे मार्क्स इसी तरह से लेके आते हैं। वो टीचर्स की बात मानते हैं, अपना दिमाग नहीं लड़ाते हैं, और वो बस उसे ही बार बार पढ़ते रहते हैं। उसमें सोशल मीडिया का कोई रोल ही नहीं होता, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, बातें करना, सबके साथ अच्छी तरह से रहना, और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाना, जो बताया गया है। साल भर का हमारा कोर्स, जिसमें हमें लगभग 6-7 महीने मिलते हैं, छुट्टियों में चले जाते हैं, और वो 6-7 महीने का जो सिलेबस है आपका, वो डेली आप 1 या 2 घंटे भी अगर उसे दें, टीचर जो लिखा रहा है उसे करें, उसे पढ़ें, आप यकीन मानिए आपका बच्चा
कहीं भी अनसक्सेस नहीं हो सकता। आप अपने बच्चे को ये नहीं कह सकते हैं कि वो नौकरी करे, बच्चा कमा के खाएगा, बहुत बेहतर अपना भविष्य बना के बताएगा। क्योंकि 12वीं तक आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, 12वीं के बाद BSc या आप IIT में इंजीनियरिंग करते हैं, नीट की एग्ज़ाम देखे, डॉक्टर बनते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके बाद आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपका दिमाग भी परिपक्व है और आपके बाद में टीचर्स भी आपको उस हिसाब से ले जाते हैं, इसलिए बच्चे को समझने के ऊपर कोई बर्डन ना दें। बच्चे को बर्डन दें इस बात के ऊपर कि तू बेटा इतना हमें रट के बता दे और इतना लिख के बता दे, उसकी लिखाई को सुधारें। बोर्ड में लिखने के मार्क्स मिलते हैं, समझने के मार्क्स नहीं मिलते हैं, बोर्ड में लिखने के मार्क्स मिलते हैं, बोर्ड में उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है, तो आप जब पढ़ेंगे टीचर आपको एक्सप्लेन करके ही सारी चीज़ें बताएगा। तो ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी है और उन बच्चों के लिए भी है जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं दूसरी चीज़ों पर। उन बच्चों को चाहिए वो लग जाएं, आज भी समय है, समय हमेशा रहता है, समय कभी नहीं ऐसा होता कि नहीं अब निकल गया, समय हमेशा आपके पास है। लेकिन ये समय ऐसा है जिसमें कि आपको ये चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेमोरी पावर बढ़ाएं, रटें, रटने के बाद उसे टीचर को बताएं, अपना होमवर्क पूरा करके दें, बस ये समझिए कि आपका भविष्य उज्ज्वल है। आपको ये वीडियो पसंद आए आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर डालें, और साथ में आप एक काम और करें, अपने आप को सुधारें, अपने आप के ऊपर ये ट्राई करके देखें। एक महीने का समय मैं आपसे मांगता हूँ, एक महीने आप उसी चीज़ को बार बार करते रहेंगे, आप देखेंगे, आप कहते थे कि मुझे याद नहीं होता, आपकी मेमोरी पावर इतनी गजब की हो जाएगी। तो बस आज से शुरू कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत।